हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन आपके साथ दम मुर्ग बनाने के लिए। तो चलिए दम मुर्ग बनाते हैं। हम 600-700 ग्राम चिकन, 3 प्याज बारीक कटे हुए, 1-2 तेज पत्ते, 2-3 छोटी इलायची, 10 काजू, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी, 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप ताज़ी दही, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, 2 छोटे चम्मच मीठा मेहता चिकन मसाला। दम मुर्ग के लिए नॉर्मली आप देखा होगा, आपने काजू मगज़ की पेस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको एक डिफरेंट सा फ्लेवर दिया है, जिसमें मगज़ की जगह मैंने चिरौंजी का इस्तेमाल किया है। तो चिरौंजी हैज़ अ वेरी नाइस नटी फ्लेवर, तो मैं काजू के साथ मगज़ की जगह चिरौंजी का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम तेल गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। चिकन बना रहे हैं तो बहुत थोड़े तेल से मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सा खुला तेल डालिए, 4-5 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1-2 तेज पत्ते। तेज पत्ते आप डाल तो रहे हैं, पर जब खाना सर्व करने लगेंगे तो इन्हें निकालना ना भूलें। और दम मुर्ग में छोटी इलायची का फ्लेवर होता है, तो उसके लिए आप इलायचियाँ डालेंगे 2-3, पर ज़रा सा इन्हें पाउंड करके। ऐसे करने से इसकी जो खुशबू है वो बाहर इजीली रिलीज हो जाती है। जैसे ही इलायची की खुशबू आएगी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी, पर अभी नहीं आ रही है, सो आई विल वेट फॉर अ व्हाइल। अब आई है इलायची की बड़ी अच्छी खुशबू। अब गया इसके अंदर प्याज, 3 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज बारीक काटे, मोटे अच्छे नहीं लगेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं, हम अपना जो नटी पेस्ट है चिरौंजी और काजू की, वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए काजू और चिरौंजी को, दोनों को आपने पीसना है। काजू ज़्यादा है, चिरौंजी कम है, और इसे आप भिगो देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी आप इसे रोस्ट करके भी पीस सकते हैं। तो मैंने ये भिगो के रखा हुआ है काजू और चिरौंजी, तो इसको हम पीस लेते हैं। तो पानी ज़रा ध्यान से डालें। चलिए देखते हैं स्मूद हो गया है कि नहीं। बिल्कुल स्मूद है, देखने में ही लग रहा है। और प्याज को हिलाते रहें। प्याज का रंग अच्छा हो गया है, लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट ये एक साथ बनी हुई है। इस पेस्ट में लहसुन ज़्यादा होता है और अदरक कम, तो आप अगर अलग अलग डाल रहे हैं तो लहसुन ज़्यादा डालें और अदरक कम डालें। नॉनवेज डिशेज में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा वेजिटेरियन डिशेज से ज़्यादा पड़ता है। आँच धीमी कर लें, आपका अदरक लहसुन जलना नहीं चाहिए। मुझे लाल मिर्च पाउडर हमेशा अच्छा लगता है प्याज में डालना, तो इसमें हम डालेंगे अबाउट 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। जब आप लाल मिर्च डालें तो आंच जरूर धीमी रखें, ताकि आपका जो मसाला है वो जले ले। अब ये तैयार हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश कर लें। इसके अंदर कसूरी मेथी जाती है, तो अगर आप कसूरी मेथी ऐसे ही डालेंगे तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो बेटर रहता है अगर आप कसूरी मेथी को थोड़ा सा
भून लें। तो जब तक ये चिकन भूनता है 5-7 मिनट, हम कसूरी मेथी भून लेते हैं। पैन ले लें, आप माइक्रोवेव में भी कसूरी मेथी भून सकते हैं, वो जल्दी हो जाता है। अगर 1-8 मिनट आप एक पेपर टॉवल पे कसूरी मेथी को रख दें। पेपर टॉवल पे हम इसलिए रखते हैं कि वो जो मॉइस्चर है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और कसूरी मेथी ड्राई रहती है। तो आप पेपर टॉवल पे रख के माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप पैन में कसूरी मेथी को भून सकते हैं। कसूरी मेथी जब आप ड्राई रोस्ट करते हैं तो इसकी स्मेल जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ही मैंने पैन में डाला, इसका बहुत अच्छा अरोमा आना शुरू हो गया कसूरी मेथी का, और वैसे नहीं आ रहा था पर पैन में डालने से आया है। थोड़ी सी मैं बचा लूंगी गार्निश के लिए और कुछ मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बस ज्यादा ना करें, नहीं तो ये काली हो जाएगी आपकी कसूरी मेथी। गार्निश के लिए हम इसमें चिरौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने इसमें पेस्ट डालनी है चिरौंजी की, जो हमने पीस के रखा है। पर अगर आप गार्निश में चिरौंजी या आप काजू या आप मगज यूज़ करना चाहते हैं तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप उन्हें रोस्ट करके यूज़ करें। तो थोड़ी सी चिरौंजी मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी, तो मैं चिरौंजी को रोस्ट कर लेती हूँ। साथ साथ चिकन को ना भूलें और चिकन को हिलाते रहें। अब जब ये चिकन थोड़ा भुन चुका है तो इसमें अब हम एक खास इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, नीता मेहता चिकन मसाला। इसमें आपका जो चिकन है वो और फ्लेवरफुल हो जाएगा। छोटी इलायची तो हमने डाली है फ्लेवर के लिए, पर चिकन मसाले से आपको ना गरम मसाला डालने की ज़रूरत है और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। चिकन मसाला सब मसालों का काम कर देगा। ये चिरौंजी भी भुन गई है, इसको बंद कर दिया मैंने। इधर चिकन को अच्छी तरह से मिला लीजिए आप चिकन मसाले के साथ। चिकन मसाला बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, मैं तो कहूँगी कोई भी मसाला बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। मसाला जब ओवर भुन जाता है तो वो अपना फ्लेवर ख़त्म कर देता है। तभी मैंने चिकन थोड़ा भूनने के बाद चिकन मसाला डाला है। ये भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे दही। अबाउट 1 कप दही आप चिकन में अपना डाल दीजिए और दही को भी इतना भूने कि ये बिल्कुल चिकन फिर से ड्राई हो जाए। अब आप तेज थोड़ी सी आंच कर सकते हैं जब दही मिला लें। और अगर आपकी दही थोड़ी सी स्मूथ नहीं है तो आप उसको विस्क करके भी डाल सकते हैं, पर इमीडिएटली स्टर करना और कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी दही जो है वो फटे नहीं। उसको हिलाते रहें और आंच थोड़ी सी धीमी ही रखें। ऐसे विस्क से आप दही को ज़रा सा फेंट के स्मूथ कर सकते हैं डालने से पहले। अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो रही है, मसाला ग्रेवी। ये अगर आप चावल के साथ खाना चाहें तो ज़रा ज़्यादा ग्रेवी रख लें, और अगर पराठे नान के साथ खाना चाहें तो थोड़ी गाढ़ी रख सकते हैं। अभी देखिए ये दही ड्राई नहीं हुई है और तेल भी अलग नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हम रुकेंगे। अपनी जो स्पेशल पेस्ट बनाई है हमने काजू और चिरौंजी की, वो अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे। दही को अच्छे से भून लेते हैं। आप इसे बोनलेस भी बना सकते हैं अगर बोनलेस प्रेफर करते हैं तो। दही अच्छे से भुन गई है और अच्छे से मिल गई है मसाले के साथ, तेल अलग हो गया है इसमें। अब इसमें बारी है ये काजू और चिरौंजी की पेस्ट, अब हम मिलाएंगे। इन पेस्ट को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आप टुवर्ड्स द एंड डाल सकते हैं।
से रंग आने की वेट करिए ताकि इसका जो वाइट कलर है वो फिर से पीला पीला हो जाए। फिर अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी दैट यू लाइक। जैसे कि मैंने कहा गाढ़ी चाहिए तो आप पराठे के साथ खाएंगे, पतली होगी तो आप चावल के साथ। ये हमने कसूरी मेथी भून के रखी थी, इसको आप ऐसे क्रश, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्रश हो जाती है बिकॉज इट्स रोस्टेड। अगर ये भुनी नहीं होती तो ये ऐसे क्रश नहीं होती, पाउडर नहीं होता इसका। अब पानी का टाइम आ गया है और पानी आप ठंडा मत डालें, ठंडा डालने से एकदम गर्म चिकन ठंडा पानी तो हार्ड हो जाता है कई बार। सो इट्स ऑलवेज बेटर पानी को आप माइक्रोवेव में गर्म कर लें या गैस पे गर्म कर लें और फिर डालें। कंसिस्टेंसी ठीक लग रही क्योंकि अभी चिकन में पकना भी है, अभी कुछ तो भूनने में ये पक गया और कुछ ये पकेगा ढककर अभी हम जब पकाएंगे इसे। अब इसे ढक दीजिए बस 10-15 मिनट जब तक ये गल जाए, धीमी आंच पर इसे ढक दीजिए। 10-15 मिनट हो गए मुझे दम मुर्ग को ढके हुए और मैं उम्मीद करती हूँ ये गल चुका होगा। ज़रा सा प्लेटिंग से पहले हम देख लेते हैं कि चिकन सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। तो ये आपका ठीक लग रहा है इस समय, अगर आप नाइफ से करो तो वो अलग हो रहा है, फोक नाइफ किसी चीज़ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसकी गार्निश के लिए आपको याद होगा मैंने चिरौंजी को थोड़ा सा भून के रखा हुआ है तो उसी से गार्निश करेंगे, और कसूरी मेथी भी भून के रखी है हमने उसी से गार्निश करेंगे दोनों चीज़ों से। ये चिरौंजी जो हमने भुनी हुई है, इसी तरह आप किसी डिश में अगर मगज़ डाल रहे हैं तो मगज़ से गार्निश कर सकते हैं। हर चीज़ के ऊपर हरा धनिया ना डालें, सब एक सा लगता है। फिर ये कसूरी मेथी से गार्निश किया मैंने, इसको मैंने भुना हुआ है पर क्रश नहीं किया। दम मुर्ग तैयार। अगर आपके पास है कोई खास रेसिपी तो भेजिए हमें अपनी खास रेसिपी का राज। अगर आपकी रेसिपी में होगी कोई खास बात तो आप जीत सकते हैं नीता मेहता कुक बुक और नीता मेहता मसाले गिफ्ट हैम्पर। हमारी ईमेल आईडी है cookwithneetamehta@janatatv.com। नमस्कार, मैं नीता मेहता आज बनाऊंगी सेसमी गोल्ड पॉइंट्स। अगर आपके पास है कोई खास रेसिपी तो भेजिए हमें अपनी खास रेसिपी का राज। अगर आपकी रेसिपी में होगी कोई खास बात तो आप जीत सकते हैं नीता मेहता कुक बुक और नीता मेहता मसाले गिफ्ट हैम्पर। हमारी ईमेल आईडी है cookwithneetamehta@janatatv.com।